चलो आप शुरू करो। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये भी एक बहुत बड़ा मजाक है कि हम इस वक्त खड़े हुए कहाँ हैं। हम इंसदाद दहशत गर्दी के अदालत के बाहर इस वक्त खड़े हुए हैं, और किस दहशत गर्द की यहाँ पर बेल की हियरिंग के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ी जमात का चेयरमैन, पाकिस्तान का सबसे मकबूल सियासी लीडर, पाकिस्तान के कौम के धड़कते हुए दिल की धड़कन, उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा काटा हुआ है। और दहशतगर्दी का पर्चा किस बात पे काटा है कि उन्होंने तकरीर की। इस एक तकरीर करने के ऊपर, जिस तकरीर के अंदर उन्होंने वाजे तौर पे ये कहा है कि हम कानूनी एक्शन लेंगे, जो हर पाकिस्तान के शहरी का हक है, और जाहिर है पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर का हक तो है ही है। उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा काटना, पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, वो गाजी जो इस दहशतगर्दी की जंग को लड़ते रहे हैं, ये उनकी भी तौहीन है, ये पाकिस्तान के कानून की तौहीन है। तमाम दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है, सारी दुनिया के अंदर बात की जा रही है कि इस 22 करोड़ के जमहूरी मुल्क को क्या हो गया है, जहां तकरीर करने के ऊपर सबसे बड़े सियासी लीडर के ऊपर पर्चे काट दिए जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर अभी तो बेल हो गई है, लेकिन ये जो कोशिश है, इस कोशिश से पाकिस्तान कमजोर हो सकता है। इनकी अगर कोशिशें कामयाब हों तो ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह ताला का साया इमरान खान के ऊपर, पाकिस्तान की कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। इंशाअल्लाह ताला ये नाकाम होंगे, और जैसे अभी तक पिछले 4.5 महीने में खान ने साबित किया है कि कौम को साथ खड़े करके एक हकीकी आज़ादी की जंग जो लड़ा है, वो जंग में कौम कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला। जल्द, ये ज्यादा देर भी नहीं रह गई है, जल्द आप देखेंगे इस हकीकी आजादी की तहरीक की कामयाबी। अब फवाद चौधरी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँ। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज जो हमने जो आज की ये जमानत ली है, ये बुनियादी तौर के ऊपर जिस तरह आगे असद साहब ने एक्सप्लेन किया, हम तो ये समझते हैं कि ये जो केस है यही बिल्कुल गलत है, और किसी तौर के ऊपर जो है वो एंटी टेररिज्म का केस हो नहीं सकता। FIR गलत है, इसको मनसूख होना चाहिए, लेकिन एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है कि आपको हाई कोर्ट में जाने के लिए आपको जमानत लेनी पड़ती है क्वेश्चन से पहले, तो उसके लिए आज हमने ये लिया है, और इंशाल्लाह इमरान खान जो है कल हम इसको हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए मूव करेंगे और ये FIR मनसूख हो जाएगी। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये जो कुछ हो रहा है, आप देखें, रात को आपने फजलुर रहमान की तकरीर सुनी, एक डरे सहमे हुए, जैसे कोई गीदड़ छुपा होता है ना जब कोई लाइट पड़ती है, इस तरह फजलुर रहमान रात को बैठे हुए थे। और उनका जो इस वक्त ये बात कहना कि अक़वामे मुत्तहिदा भी इमरान खान के साथ मिल गई है, वेस्टर्न प्रेस भी इनके साथ मिल गई है, पाकिस्तान के इदारे भी इनके साथ मिल गए हैं, वो अपनी शिकस्त का एतराफ था। और जो ये शिकस्त खुर्दा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अब मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की जो अहमकाना हरकत JUI और ये कर रहे हैं, ये सारा इनके ऊपर आएगा। और आप देखेंगे आखिरी मरहला शुरू हो चुका है इंशाल्लाह इस जदोजहद का, और पाकिस्तान में इंशाल्लाह अगर हमें अल्लाह की मदद शामिल हाल रही, 10 सितंबर तक इंशाल्लाह हम इस हुकूमत से जान छुड़ा लेंगे। बहुत शुक्रिया।